गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम हिंदी कक्षा 4 पार्ट 3 कैसे बची बिल्ली पढ़ेंगे। एक कुत्ते ने बिल्ली को देखा और उसे पकड़ने के लिए पीछे भागा। भागते ही उसे ध्यान आया कि अरे, चप्पल तो मैंने पहनी ही नहीं। फिर वह चप्पल पहनकर बिल्ली के पीछे भागा। भागते हुए अचानक उसे रास्ते में गुब्बारे उड़ते हुए दिखाई दिए। कुत्ते ने सोचा, बिल्ली तो मैंने फिर कभी देख लूँगा, वह भाग कर कहाँ जाएगी, है ना। ये इसमें क्या है, एक कुत्ते ने किसको देखा, बिल्ली को, और उसके पीछे भागने लगा। देखिए चित्र में दिखाई दे रहा है, एक कुत्ता दिखाई दे रहा है, बिल्ली दिखाई दे रही है ना, और कुत्ता उसके पीछे भाग रहा है। फिर उसने सोचा कि मैंने चप्पल तो पहनी नहीं है। चप्पल पहन के जब भागने लगा तो उसने को गुब्बारे दिखाई दिए, तो वो गुब्बारे की तरह भागा। पहले ये गुब्बारे तो खेलने के लिए पकड़ लूँ, यह सोचकर वह गुब्बारे के पीछे भागा। जल्दबाजी में उसके पैर रस्सी में रास्ते में पड़ी रस्सी में उलझ गए। कुत्ता जितना अपने पैर रस्सी से सुलझाने की कोशिश करता, उतने ही उसके पैर और ज़्यादा उलझते जाते। वह थक कर वहीं बैठ गया। बिल्ली तो पहले ही भाग चुकी थी। वह गुस्से में पैरों में उलझी रस्सी को घूरने लगा। देखो चित्र में दिख रहा है ना, वो बिल्ली के पीछे भागा, फिर गुब्बारे के पीछे भागा, तो उसने देख नहीं पाया नीचे क्या थी, रस्सी थी, और वो रस्सी में फंस गया। आप सबको भी इसकी रीडिंग करना है। अब आ जाइए अनुभव विस्तार। खड़ी पाई वाले व्यंजन, ये जो व्यंजन लिखे हुए हैं ये क्या है, खड़ी पाई। खड़ी पाई का मतलब है कि जिनमें सीधा डंडा आता है, जैसे खा गा घा चा जा झा, इनमें सब में देखिए सब में खड़ा डंडा लगा हुआ है ना, इनको कहते हैं खड़ी पाई वाले व्यंजन। अब आ जाइए काम में छोटू की मात्रा कू ता ता बड़ा ता। देखिए ता के नीचे क्या लगा हुआ है, एक छोटा सा डैश बना हुआ है। इसका अर्थ होता है कि जो ता है वो आधा ता है। देखिए इस तरफ लिखा है कुत्ता, है ना, ऐसे ही बिल्ली, तो ला के नीचे क्या बना हुआ है, हलंत, इसका मतलब क्या है, आधा ला। चप्पल है ना, पा के नीचे एक छोटा सा डैश बना हुआ है, इसको मतलब है आधा पा। गुब्बारा यानि आधा बा। बच्चा रस्सी, है ना, इसको आपको अपनी बुक में भरना है। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, पढ़िए समझिए और लिखिए। ला टा के नीचे भी देखिए हलंत है, और टा में बड़ू की मात्रा, तो इसका मतलब भी क्या हुआ कि आधा टा है। लट्टू लड्डू, चिट्ठी गट्ठर, मक्खी चक्की। अब आइए पढ़िए समझिए और लिखिए। मक्खन, तो इसमें जो आधा का बना हुआ है ना, मक्खन। कृष्ण, इसमें भी आधा शाह है। लक्ष्मी, इसमें भी आधा छा है। मुफ्त संत, बच्चा पृथ्वी, अध्यापक पक्का, कुम्हार सप्ताह, संख्या वस्तु, कुत्ता मिट्टी। ये जो शब्द हैं इनमें सब क्या है, आधे आधे अक्षर वाले शब्द हैं, ठीक है। अब है नीचे लिखे शब्दों में ऐसे शब्द चुनकर लिखिए जिनमें आधे अक्षर हो। तो देखिए ये जो शब्द बने हुए हैं इनमें से आपको ऐसे शब्दों को छांटना है जिसमें आधा अक्षर आया हो, है ना। मैंने देखिए गोला लगाया हुआ है, जैसे बदक है ना, तो बदक में नहीं है, तख्त में आधा खा है ना। फिर इधर लक्कड़ में आधा का है, लट्टू में आधा टा है, पृथ्वी में आधा था है, ऐसे ही आपको भी इसमें गोला लगाना है। अब नेक्स्ट पेज पे आइए, ये इसमें आपको ये लिखा हुआ है इसको आपको पढ़ना है, और उसके बाद नीचे जो प्रश्न है उनके उत्तर देना है। देखिए कविता में आए रकार व रेफ वाले संयुक्त अक्षर वाले शब्द चुनकर लिखिए। लकार यानि जिसमें रा की रेफ लगी हुई है, देखो ये डैश बनी, इसमें देखो ग्राम ग्रामीण,
ग्राम में, है ना। इनमें रा की रेफ लगी हुई है, जो गा में जो ऐसे एक तिरछी लाइन लगी हुई है इसको कहते हैं रा की रेफ, रकार, है ना, रकार वाले शब्द। अब है ये रेफ वाले शब्द जो ऊपर ऐसे घुमा दिया हुआ है, देखो पूर्ण, पूर्ण में अड़ा के ऊपर जो ऐसी रेफ बनी हुई है, स्वर्ग गा में लगी है, वा में लगी है, है ना, तो ये क्या होते हैं रेफ वाले शब्द। अब यह है संयुक्त अक्षर, मतलब जिनमें आधा अक्षर आया हो, जैसे स्वच्छ में आधा च आया, डॉक्टर में आधा का आया, मिट्टी में आधा टा प्राप्त, ये आपको लिखना है और मुझे फोटो क्लिक करके भेजना है।